मेरी तरह कोई खर्च नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा मुझसे ज्यादा कमाए। मैं कीमती शराबी पीता हूँ, पी के देखो। इट्स ग्रेट। क्योंकि ये विदेशी है, मैं कुछ भी करता हूँ तो एक अलग तरीके से करता हूँ। मुझे समझना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ। बॉस, वहाँ टेबल पर कुछ लौंडे शर्ट लगाकर खेल रहे हैं। मैंने भी 200 की शर्ट लगाई है। आपने अगर 200 रुपए दिए तो मैं 400 रुपए लौटा दूंगा। थैंक यू। तुम एक काम करो, इसी बोतल में देशी शराब को भर दो। विदेशी समझकर लोग इसे खरीदेंगे और हमें मुनाफा होगा। कैसी लगी ये? मैं हार गया बॉस, मुझे 200 और चाहिए। ये कैसा हो गया, तुम तो कभी हारते नहीं। इस बार जरूर जीतूंगा। काफी है क्या? क्या देख रहा है चलपुर? मैं पैसों के मामले में बहुत ईमानदार हूँ। ये मेरा, ये भी मेरा, ये मेरा, ये तुम्हारा। ओके। यहाँ क्या हो रहा मैं जान सकता हूँ? बेट लगाने वाले मेरे अड्डे पर ही बेट लगा रहे हैं आप? अरे रे, तुम हो टाइगर, ये तुम्हारा अड्डा है? पता होता तो मैं आता ही नहीं। ये रख ले। गलती कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? सही कहा, जरा फ्लैशबैक में जाओ। इस काम में तुम्हें माहिर बनाने वाला मैं ही था, ये मत भूलना। आज मैं फटीचर बन गया तो अगर जान प्यारी है तो यहां से बच के निकल जाओ। जी चलो, यहां से चलो निकलते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए बाद में दिला दूंगा। यह प्रॉब्लम है, हालात को समझने की कोशिश करो। ए चलो, ए चलो। ये तो बहुत कीमती है, इसे मैं अंदर कर देता हूँ। और मारो।
ये हुई ना। इस बच्चे को किसी ने अखबार में लपेट के कूड़े में फेंका था। सिर्फ आप ही इस बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं। जहाँ पे ये पढ़ा था वहाँ ये किताब भी मिली है। कहीं इस बच्चे का इस किताब से कोई संबंध तो नहीं? कोई संबंध हो सकता है क्या? ये कुंग-फू से संबंधित किताब है। क्या सुन रहा हूँ, कुंग-फू से संबंधित किताब है ये? संदेह। इसका भविष्य ही कुंग-फू है। ये तो अभी बच्चा है, इसे मत दिखा। मानता हूँ कि हवाबाजी सीख ली, लेकिन अगली बार जरा पांव धोकर आना यहाँ। इस दुनिया में खुशियां और गम दोनों ही हैं, लेकिन गम पर काबू पाने की एक ही कला है और वो है कुंग-फू। दुनिया की हर शय कुंग-फू से ही संबंधित है। मास्टर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक बार वक्त हाथ से गया तो फिर वापस नहीं आता है, लेकिन अगर कोई लगन से कुंग-फू की कला को सीखेगा तो वो दुनिया की हर शय को काबू कर सकता है और खोया हुआ वक्त फिर से वापस पा सकता है। इसके लिए मन और कला का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। ये सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ जानते हो? क्योंकि इस कला के जरिए मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है और मेरा धरती पर जन्म लेने का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर जाने का गम तो मुझे है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम अकेले ही दुनिया में नाम कमा सकते हो। इससे पहले कि मौत मुझ तक पहुंचे, मैंने मौत को गले लगाने का इंतजाम कर लिया है। कुंग-फू कला का अगर सही इस्तेमाल किया तो वो हमारी जान को बचाएगी। मेरी मौत के बाद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम जैसे अनाथ को मैंने कुंग-फू की कला के साथ साथ सब कुछ सिखा दिया है। हर जंग में तुम्हें जीतना होगा और वो मैं स्वर्ग में बैठकर वहां से देखूंगा। मेरा नाम जे है। मेरी परवरिश एक कुंग-फू स्कूल में हुई। मेरे मास्टर चाहते थे कि मैं बास्केटबॉल का एक बड़ा प्लेयर बनूं। उस दिन से मानो मेरे दिल और दिमाग पर बास्केटबॉल का भूत सवार हो गया है, और जहां भी लोगों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूं, वहां जाकर खड़ा हो जाता हूं। इसे जुनून भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं यहां इस लड़की को देखने के लिए आता हूं। इसे संजोग कहूं या किस्मत का खेल, कई लड़कियां मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आई, लेकिन इसमें जो सादगी है, जो बागपन है, वो किसी और में नहीं है। ये कौन है, कहाँ रहती है, यहाँ तक कि इसका नाम भी मुझे नहीं मालूम। मैं शाहरुख या आमिर की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, ये बात मैं भी जानता हूँ। फिर भी तीन लड़कियाँ मुझ पर मर मिटने को तैयार क्यों हैं? पहली लड़की से मिलाता हूँ। एक्सक्यूज मी, तुमसे लव करने से बेहतर है कि मैं मौत को गले लगा लूं। अरे ये तो मजाक कर रही है। और ये है दूसरी लड़की, जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने को तैयार है। जोश में आकर मैंने आई लव यू भी कह दिया। मैंने कहा ना, जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे, पर इस जन्म में नहीं। मेरे सर पे तो बिजली गिर गई। तीसरी लड़की तो इन दोनों से एक कदम आगे निकली। आप खुद सुनिए ये क्या कह रही है। मैं कभी भी तुम्हारी नहीं बन सकती, मुझे नफरत है तुमसे। मास्टर जी का देहांत हुआ, तब से यहाँ काफी बदलाव आ गया है। काफी क्या, पूरा ही बदलाव आ गया है कह सकते हैं। ये है मास्टर फ्ले, और पेट को सहलाने वाले हैं मास्टर लू। इस स्कूल के 88वीं वंशज कहलाने में बहुत फक्र महसूस होता है, मुझे नहीं इन दोनों को। इनसे मिलिए, ये पति पत्नी हैं मास्टर नी मास्टर कुआंग। दरअसल ये गुलाब का फूल लेकर किसी और लड़की को पटाने गए थे, लेकिन पासा कैसे पलट गया आप खुद देखिए।
बेचारे, इनकी तो किस्मत ही खोटी है। उस वक्त नी मैडम भी वहां आ गई। जिसके हाथ में गुलाब का फूल होगा उसी से शादी करूंगी कहके जिद पर अड़ गई। ये देखकर क्वांग जी ने गुलाब को किसी और के सामने रख दिया। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो ही गुलाब के फूल को उस आदमी से छीनने लगे तो ही मैडम नी भी वहां पहुंच गई और क्या, शादी भी फिक्स हो गई। एक और खास आदमी से आपको मिलाता हूं। इन्हें सब लोग लोहे का हाथ वाला कहकर पुकारते हैं। हमारे स्कूल के हेडमास्टर यही हैं। ऐसे ही मारना चाहिए। मुझे मार खाने की आदत जो पड़ गई, ये मुझे मार कर ही लोगों को कुंफू कला से वाकिफ कराते हैं। बेशक उनके हाथ लोहे के हैं पर उसे काटना भी मुझे आता है। कितनी बार तुम्हें तोते की तरह समझाया कि जब मैं मारूं तो लोहे का कवच मत पहना करो। तब तक मैं दर्द सहन करता रहूंगा। आज रात तुम्हें खाना नहीं, शराफत से जाओ यहां से। कौन है? ये भी कोई बड़ी बात है? ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल। लगता है दूर से फेंक दिया मैंने। ओ काली कलकत्ते वाली लग जा निशान पे। सिर्फ मेरा ही निशाना क्यों चूक रहा है? एक और कोशिश। इस बार निशाना लग ही जाएगा। ये आखिरी कोशिश। इतनी रात गए तुम घर नहीं गए? बेघर हूं। तो कह रहा फुटपाथ हो? तुम्हें कोई परेशानी है? बोलो। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्से का मतलब है तुम्हें जोरों की भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ये लो। नहीं चाहिए। ये सिक्का मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे रहा हूं। अगर ये सिक्का तुमने मेरे मुंह में डाल दिया तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। इतने करीब से मत डालना। कहां जाना है, कहां रुकना है हमें अच्छी तरह पता है। और मैं पीछे चला गया तो तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। यही सही जगह है। महाराज कहाँ खाएंगे? चलो चलते हैं। वहां कहाँ जा रहे हो? हम वीआईपीस के लिए अलग रास्ता है। ए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ए टाइगर यहाँ आओ। रुको रुको रुको, मैं तुम लोगों के लिए खाना लाया हूँ। अरे ये क्या, मैं नहीं आया क्या कि तुम लोग भूखे रह गए? बिल्कुल मेरी तरह है ये, इनका कोई नहीं है। इनको घर से लगाव नहीं, मुझसे ही लगाव है।
इन सबका गार्जियन मैं ही हूँ। एक मिनट भी मुझसे दूर नहीं जाते। लैंग बहुजी, यही लैंग है मेरी बेटी। ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, दिल की बहुत अच्छी है। आप खाना खाएंगे ना? जरूर बेटी, मेरे साथ एक मेहमान भी आया है, इसलिए दो खाना लगा देना। हाँ, हम फाइव स्टार होटल के पीछे मल्टी स्टार होटल खड़ा कर देंगे। हाँ, पैसे देके खाओ तो हजम नहीं होता है ना, इसलिए ऐसा किया। अच्छा आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना, पहले स्टार्टर्स, उसके बाद फिर आपका रोटी चावल, और ये आपका फेवरेट। चीयर जे। तुमने अब तक खाना नहीं खाया ना, झूठ मत बोलना, सच बोलना। पापा, जब तक आप खाना नहीं खाते मैंने कभी खाना खाया है? पहले आप खा लीजिए, उसके बाद मैं खाऊंगी। ये मेरी बेटी में गलत आदत है, इसे खत्म कर कर ही नहीं सोऊंगा। शुरू किया तो कब खत्म करूंगा ये मैं भी नहीं जानता, तब तक ये भूखी रहेगी। आप इत्मीनान से पीजिए, मैं तब तक बाकी कस्टमर्स अटेंड करती हूँ। जल्दी खा लो, तुम्हें लेके मैं बहुत बड़ा प्लान बना रहा हूँ। भला क्या प्लान है वो? साधारण प्लान नहीं, एक तीर दो निशाने। तुम्हें बहुत काबिलियत है, हम दोनों खूब कमा सकते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तूने। गर्मी लग रही है, जरा खिड़कियां तो खुलवाइए। हमारी बात कोई सुन ना ले, इसीलिए मैंने सारी खिड़कियां बंद करवा दी है। मेरे सवाल का जवाब दो पहले। वो आप जैसा समझते हैं उतना ज्यादा आसान मामला नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। इनकार किया तो तेरा भी यही अंजाम होगा, मान ले। अगर अच्छा मुनाफा मिलेगा तो मान जाओगे ना, उसे यहां से खदेड़ना होगा। खोल के देख, ये सोना तुम्हें हमारे इशारों पर नचवाएगा। ये अगर तुझे चाहिए। कल रात हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट ने बाहर जाकर लफड़ा कर दिया, उसकी वजह से हमारे स्कूल की मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई है, उसे माफ नहीं करेंगे। वो किसने किया है अभी तक पता नहीं चला है। किसने किया है सच सच बताओ। इस स्कूल से तुम्हें यही सीख मिली है? बोलो। बहादुर फौरन अपनी गलती मान लेता है, शराफत से अपने आप बता दो। मैं सिर्फ तीन तक गिनूंगा, अगर अपराधी ने गलती कबूल नहीं की तो तुम सबको सजा मिलेगी। एक, दो, तीन। बहुत शुक्रिया यार। इसने लफड़ा किया। बैठिए बैठिए। हाउ हाउ हाउ, बहुत हो गया, बंद करो। कोई बात नहीं, खाने दीजिए खाने दीजिए। मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने सोचा आपको उस पर रहम आ गया होगा। मैं और रहम, वो कभी भी नहीं। अरे
हमारे स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दफा हो जाओ यहाँ से। कुंग फू के लिए तुम कलंक हो। हेलो हेलो। अरे हाँ तुम हो, मैं खुद ही तुमसे बात करना चाहता था। एक प्लान बनाया है, पक्का प्लान है। क्या हो गया तुम्हें? मेरे स्कूल को खरीद लिया है, देखो मुझे कैसे मारा है। इसका अंदाजा तो मुझे कल ही हो गया था, उसे भूल जाओ। यही मेरा नया प्लान है। मुझे सॉकर नहीं आता। तो फिर बास्केटबॉल जानते हो? इसे उस डब्बे के अंदर डालो, कोशिश करो, देखते हैं। शाबाश मेरे शेर। कदरदानो, आप जिसे देख रहे हो आम आदमी नहीं है, ये एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इसके माँ बाप कौन है बेचारा खुद ही नहीं जानता। इसकी रगों में जो काबिलियत दौड़ रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे चुप कर। इसके माँ बाप जरूर कोई बास्केटबॉल चैंपियन रहे होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक बास्केटबॉल चैंपियन की सारी खूबियां मौजूद है। सारी दुनिया इसके फैन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम की जय हो तो इसे भी आपकी टीम में शामिल कर लीजिए। कैसी लगी? ये सिर्फ चैंपियन ही नहीं बल्कि एक अच्छे दिल का मालिक भी है। इसके पीछे भी एक वजह है। आप माने या न माने, मैंने कहावत सुनी है कि माँ बाप की काबिलियत बच्चों को खुद ब खुद मिली जाती है, और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ और मुझे गर्व महसूस हो रहा है। बचपन से ही इसके सर से अपने माँ बाप का साया उठ गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और आज ये अपने बलबूते पर दुनिया का नंबर वन बास्केटबॉल चैंपियन बनने जा रहा है और सारी दुनिया में इसका यश फैलने वाला है। आइए मैं इस बेहतरीन खिलाड़ी से आपका परिचय करवाता हूँ, जिसका नाम है जे फ्रैंक। तहे दिल से इनका स्वागत कीजिए। काफी चमक रहे हो, पोज दो। ये ड्रेस मुझे क्यों पहनाया है? तुम्हारी भलाई के लिए। आओ 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 आओ, इधर खड़े हो जाओ। इसमें जो लिखा है पढ़ो। आप लोगों की मदद के लिए बहुत शुक्रिया, और मैं अपने अंकल का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, और साथ में माननीय चेयरमैन जी का भी। मैं जरूर अपने माँ बाप को ढूंढ निकालूंगा, उन्हीं की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे। वो कैप्टन की परमिशन के बिना किसी को भी टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। ये सब कौन है सर? यही हमारी टीम है, उन्हें पहले खबर करनी थी। पत्रकार और मीडिया वाले भी यहाँ पहुंच गए हैं, जिनके हुनर से वाकिफ कराते हैं। आगे आपकी मर्जी, तुम क्या कहते हो? यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए नए खिलाड़ी जे आए हैं, जिन्हें अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। व्हाट यू मीन बाय इट, आई डोंट नो। जब तक कि कैप्टन आके नहीं बता देते, किसी को ये नहीं पता कि जे इस टीम में ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जे फैंग टीम में शामिल होगा या नहीं? Yeah!
इसको बास्केट में डाल के दिखा। अरे डालना, हिम्मत से डालो, पीछे जाइए पीछे जाइए, वरना मेरा खिलाड़ी खेल नहीं पाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ साथ साथ खूब पैसे भी कमाओगे। दुनिया में सबसे बड़ा पैसा ही है, देखना लोग तुम्हारे तलवे चाटेंगे। पेपर घर जाके पढ़ो, जाओ ना। कोई मेरी इज्जत ही नहीं करता यार, शायद कैप्टन को और इस लड़की को मेरी टीम में शामिल होना पसंद नहीं आया होगा। हेलो, मुझसे नाराज हैं क्या? मुझे मारकर अपना गुस्सा उतार दीजिए। मैं भला तुझे क्यों मारूं? मेरे स्कूल में भी सब मुझसे यही किया करते थे, इसलिए बोल रहा हूं। तुझे कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। जहां तक बास्केटबॉल का सवाल है, जो डिफेंस में बेस्ट होता है उसी की जीत होती है। तुझ में खास बात यही है, तू अच्छी जंप लगा लेता है, उसी को अपना प्लस पॉइंट बना ले। ओके, तू जरूर जीतेगा। मेरे ख्याल से मेहनत करेंगे तो जरूर जीतेंगे। इसीलिए एक्सीडेंट में जल्दी आ गई। बहुत हो गया। गुड मॉर्निंग, आप शुरू करो। हाय। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आज तुम सुबह इतनी जल्दी आ गए। क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत इससे पहले तो कभी जल्दी नहीं आए। बदलाव के पीछे क्या कारण है मैं जान सकती हूँ? वही मेरा नया दोस्त। वो नया दोस्त कौन है? मुझे भी यही लगता है, अगर ये हमारे साथ हुआ तो हम सारी चैंपियनशिप जीत जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, हम ही होंगे चैंपियन। सपना देखना बंद करो। मैंने भी अब सपना देखना शुरू कर दिया। सपने सपने ही होते हैं, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। एक पोज देना। ओके, एक और बाल बाल फेंकना। हाँ, बास्केटबॉल प्लेयर जे का मैनेजर बात कर रहा हूँ। क्या बात है, बोलिए। पब्लिसिटी देनी है, दे दूंगा, अगर आप अपना ईमेल आईडी दे देंगे तो। वही है जे, वो कभी भी शॉट मिस नहीं करता, जानते हो। हाय जे। हाय लुई। ये है जेम्स, और जेम्स ये है जे। चोट लगने के कारण इतने दिन रेस्ट में था, आज ही लौट के आया है। हेलो, तुम काफी अकलमंद हो, ऐसा इसने हमें बताया। तुम अच्छे खिलाड़ी बनोगे सचमुच, लेकिन तुम ट्रेनिंग में कामयाब हो गए या नहीं ये देखना होगा। पहले बास्केटबॉल का बेसिक सीखो। इसे सीखने की कोई जरूरत नहीं, इसको विरासत नहीं मिला है। यकीन नहीं तो आप जरा आजमा के देखिए, तब जाके काबिलियत का पता चलेगा। हिला के रख देगा। हिल को रहा है। तुम्हें देखे लोगों को ताली बजानी चाहिए। थोड़ी देर के लिए चुप बैठोगे? तुम्हें क्या हो गया है, उसे अंदर जाने का मौका क्यों नहीं दे रही हो? जी के बारे में? हाँ, वो नया है, पहले खेल को समझने तो दीजिए। समझने के लिए बैठा रहा तो इसी तरह जिंदगी भर बैठा ही रहेगा। जल्दी भेजो उसे। क्या कहा, मुझे अंदर भेजेगी? वो तो मैं भेजने ही वाली थी,
लेकिन मैंने मना कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ 5 मिनट बचे, अगर तुमने उसे अंदर नहीं भेजा तो हार का मुंह देखना पड़ेगा तुम्हें। उसे भेजिए। हाँ जाओ यार। हेलो हेलो, बाबू बाबू बास्केट बास्केट डालो नीचे ऊपर। मरवा दिया। मुझे छिपा लो, नहीं तो ये मुझे पीटेंगे। मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम सर्कस के कोई जोकर नहीं हो, खेलो। यहां से, अरे वो बॉल तो दो। मुझे चप्पल से मारना चाहिए जो मैंने तुम्हें अंदर भेजा। मरवा दिया। ये फॉल है, ये फॉल है, फॉल है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अगली बार तुम बास्केट डालोगे जरूर डालोगे। कमाल कर दिया। आगे बढ़ आगे बढ़। ए कहाँ जा रहा है? वहां कहाँ जा रहा है? बॉल इधर डालना है। हिला के रख दिया। मैं तुम्हारा मैनेजर होऊंगा। वाकई तुमने हिला के रख दिया। चलो हाथ ऊपर करो। हे आज से तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग शुरू। दिल लगा के सीखो और अच्छा खिलाड़ी बन के दिखाओ। हेलो। हाय, मैं जय बोल रहा हूँ। खाना खा लिया क्या? हाँ मैंने खा लिया। मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। अच्छा। मेरे घर के सामने एक बदमाश खड़ा होकर मुझे डरा रहा है। क्या कहा, कहाँ? मैंने जेम्स को फोन कर दिया, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। सिग्नल क्लियर नहीं है। खलास जी, ऐसा फोटो खींचना होगा जो उसे पसंद आए। मुझे स्लैम डंक सिखाओगे? चलना सीखने से पहले दौड़ने की कोशिश मत करो, वरना मुंह के बल गिरोगे। ये स्लैम डंक भी मैं सीख लूंगा। किसी ने देखा नहीं। यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल अभी शुरू होने वाला है। दोनों टीमों के लिए यह खास चुनौती है। नया हवा का पहली बार देखा थे?
मेरा नाम जी है। अच्छा तू ही बना थोड़ा, ये सब कहाँ कर थोड़ा? तुम्हें कुछ हो गया तो रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारे पीछे हैं। क्यों हमसे टकरा रहा है? हमसे टकरा के मौत को गले लगाना चाहता है। सुपर शूट कोशिश में कामयाब। इस टीम ने लोगों के बीच तहलका मचा दिया है। क्या ये आखिर तक किसी तरह टिके रह पाएंगे या फिर दुश्मनों से हार का मुंह देखेंगे? लेकिन इस टीम के एक नए खिलाड़ी ने हार को जीत में बदल दिया और एक स्लैम डंक। बाल को ले लिया है और अब शूट करने जा रहे हैं। दूर से ही एक सटीक निशाना। देखा तुमने, उसने साबित कर दिया कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है। देखा, देख लिया तुमने? हाँ, ये आदमी है कि हैवान? इस खिलाड़ी ने भारतीय हुई टीम को बचा लिया है। बाल को हाथ में लेकर सटीक निशाना लगा दिया है। सुपर, एक सुनहरा मौका मिला है। ढक्कन बंद। कामयाबी इनके कदम चूम रही है। कमान, तुमसे होगा, होगा। जल्दी कर, स्लैम डन करो। ये कर पाएगा क्या? खेल आखिरी दौर में पहुंच गया है। नए खिलाड़ी ने बाल को छीन लिया है और आगे बढ़ रहे हैं और दर्शक थाम कर बैठे हैं। क्या ये टीम जीत पाएगी? क्या ये स्लैम डन कर पाएंगे? क्या ये नया खिलाड़ी इस टीम का नाम रोशन करेगा? अनहोनी को होनी करके दिखा दिया इस नए खिलाड़ी जय ने। फर्स्ट यूनिवर्सिटी की जीत हो गई, जीत हो गई। पानी पी लो। थैंक्स। तुम थक गए होगे। मेरा कोई नहीं है। अरे किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? सारे बदन में दर्द हो रहा ना, अब देखो मैं ऐसा मसाज करूंगा कि सारे बदन का दर्द और पूरी थकान चली जाएगी। फटाफट देखते रह जाओगे तुम। हाँ, होले होले करता हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है? अरे तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? अच्छा ये बात है, सारा मामला मैं निपटा देता हूं। मैंने कहा ना, आप बेफिक्र रहिए। कहा ना, मेरी बात का बुरा मत मानना। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी को छोड़ के हमारी टीम में शामिल हो जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। तुम कौन हो? फिलहाल तुम मुझे दुश्मन समझ लो। चैंपियनशिप मुकाबला हो रहा ना, तुम्हारी भिड़न मुझसे होगी। ये बात है, वहां मिलेंगे। अच्छा, तेरे दिमाग की दाद देता हूं मैं। तुम्हारा निशाना बहुत ही सटीक है, बहुत ही सटीक। सुपर, हमेशा सही निशाने लगाते। लेकिन एक बात जान लो, कभी कभी निशाना चूक भी जाता है। आई बात समझ में? ये मेरा नंबर है। ए, हमारी टीम में आ जा।
तू ही कैप्टन है? इसमें कोई शक है क्या? कॉल करना, तुम्हारी जगह हमारी टीम में है। हे बेबी, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई ना? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए कहूंगा तो आ जाओगी क्या? सब लोग यहीं पर है? अरे भाई, मैंने सोचा तक नहीं, हारने के गम में माता मनाने आए हो। हाँ, हेलो, क्या कहा? यहीं पर हो? ऊपर ही हूँ, कब तक इंतजार करूंगा, जल्दी आ। जी, उसी का नाम ली टैंग है। 2 साल पहले अपनी टीम में शामिल हुआ था। पहले वो भी कच्चा खिलाड़ी था तुम्हारी तरह, लेकिन उसमें इतना हुनर था कि वो जल्दी ही खेल के सारे गुर सीख गया। लेकिन न जाने क्यों छोटी सी बात पे उसका कैप्टन से झगड़ा हो गया और फाइनल मैच के एक दिन पहले ही वो टीम को छोड़कर चला गया। उन लोगों ने हमारे अच्छे खिलाड़ियों को पैसा देकर खरीद लिया। तुमसे जरूरी बात कहना ही भूल गया मैं, तुम्हारी माशू का बहुत मस्त है यार। 2 ही सेकेंड में फर्स्ट यूनिवर्सिटी को सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत थी। सब कुछ चला गया। यस। और दुख की बात ये थी कि वो उस दिन जीतते जीतते हार गया। उसके बाद वो खेलना भी चाहता था, लेकिन तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। उसके हाथ कांपना शुरू हो गए और उसने हताश होकर पीना शुरू कर दिया। उस हादसे को भुलाने के लिए उस बेचारे के पास कोई चारा भी नहीं था। मेरी बात सुनो, उन्हें जीतने का मौका नहीं दूंगा मैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन डरती हूँ कि कहीं तुम भी बिक ना जाओ। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तुम्हारा तेरी तो उसके मुंह मत लगो, तुम्हें सिर्फ खेल पर ही ध्यान रखना होगा। वो तुम्हें खरीदने के लिए मेरे पास आए थे, मैंने साफ मना कर दिया, इसलिए मेरी हालत कर दी। जिंदगी जीने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन पैसा ही जिंदगी नहीं है, मेहनत भी कोई चीज है। अपने जमीर को बेच के हम रोटी नहीं खाएंगे। अपना गुस्सा जीतने के लिए दिखाओ। आपके खातिर मुझे जीतना ही होगा। साधारण मत समझना, ये बहुत बड़े फाइटर्स हैं। जापान की कई मैचों में मैंने इन्हें देखा है।
माशुका को मरे हुए एक साल हो गया और उसकी यादों को बुला के तुम खेलने के लिए आ गए फिर से? स्लैम डंक की भी तुमने कोशिश की थी ना? हाँ, मैंने भी बोलना चाह रहा था, और अच्छी तरह याद है मुझे। खेल के मैदान में हीरो बनना चाहिए ना कि पागल, है वरना गिरा दिए जाओगे। तेरी तो अब क्या करेगा, तेरी तो आबे 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 तेरी जान का पैदा। देख बेटे, जब तक मैं यहाँ रहूंगा तू खेल नहीं पाएगा, तेरी सिटी पिटी गुम हो जाएगी। कुछ भी करो तुम्हारी हार। मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, देखिए मैच के आखिरी दौर पे भी जीतने की गुंजाइश है। हेलो हेलो, अफसोस है कि बिजली चले जाने के कारण ये खेल अगले महीने की 6 तारीख तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया है। आज क्यों बैठा हुआ है? मैच को डिले करने से फायदा नहीं, हार तो तुम्हारी ही होगी। हम अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए इसलिए हमने सोचा कि किस्मत हमारी तरफ है, लेकिन बिजली गुल होने के बाद हमें एहसास हुआ कि भगवान हमारी तरफ है। देखते हैं। बहुत बोलता है, इस तरह मुंह फाड़ के दिन में तारे क्यों गिन रहे हो, क्या सोच रहे हो? मुझे खेलते हुए देखकर मेरे माँ बाप खुश हो रहे थे। तुमने उन्हें देखा? आप भी अंकल। दिखने में मेरे माँ बाप जैसे थे लेकिन मुझसे मिले नहीं ना। ओह, तुमने मुझे पहचाना? तू क्या, बिन लैडन है? हाँ टाइगर। चिंता मत कीजिए, मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। आप जानते हैं कि मैं बरसों से कितना प्यार करता हूँ। वो तो जानता ही हूँ, क्या बात है? उस मोटू ने मेरे साथ गद्दारी की है, इसलिए मैं उसकी टीम को छोड़कर यहाँ आ गया। इस बार मैं आप पर बेट लगाने वाला हूँ। ये बात है, कितने की? 5 मिलियन। आप जीतेंगे, मैं कमाऊंगा और उसका काम तमाम करूंगा।
हेलो जे, देखो कौन आए हैं। जे, कैसे हो तुम? कितने हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने माँ बाप को ढूंढ निकाले? ढूंढ निकाले क्या? नहीं। बेशक तुम्हारे माँ बाप बास्केट इस बात को कहने के लिए मैं रोज आता था, लेकिन तुम्हारा गुस्सा देखकर चुप रह गया। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूं। सिग्नल क्लियर नहीं है। जी, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो क्या है मैं खुद पता लगा लूंगी। ये टीम तो लंगड़ों की है, खेलेंगे कैसे? सिर्फ वो आना तड़का ही है। इस राग बबला क्यों हो रहा है? मछलियां बहुत अच्छी हैं। Thank you.
देखो जब पैं पैं चिल्लाता रहता। ये तो मुश्किल है। क्या देख रहा है बे? हमें जिंदा देख के ताजुब हो रहा है ना? कुंफू सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही नहीं, ये औषधि के लिए भी है। अरे क्या हुआ? सिर्फ 3 सेकंड बाकी है, आखिरी थ्रो। तुम में से किसी को लगानी होगी। ओके चलो बच्चों, जीत हमारी ही होगी। कौन है वो? पकड़ो उसे। अब तू लंगड़ा होके एक टांग से कैसे खेलेगा, कैसे बाल को शूट करेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम हारोगे, निश्चित हारोगे। कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। तुम दोनों खेल को संभालना। ए, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम खेल सकते हो। ए, संभल के। अब जेएमसी नंबर 1 खिलाड़ी है, उसके पास बॉल मत फेंकना। रफी की हैसियत से उन्हें पूरा हक के बोलने का, वो लीगल पॉइंट है। वो भी एक खिलाड़ी है और उन्हें बोलने का हक है। बात यह है कि तुम लोग हार गए। 8 बॉल की जीत हुई। एक बार वक्त हाथ से गया तो फिर वापस नहीं आता है।
लेकिन अगर कोई लगन से कुंग फू की कला को सीखेगा तो वो दुनिया की हर शय को काबू कर सकता है और खोया हुआ वक्त फिर से वापस पा सकता है। इसके लिए मन और कला का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। आज मैंने इतना जान लिया कि कोई भी खिलाड़ी अकेले जीत हासिल नहीं कर सकता। जीतने के लिए टीम वर्क की जरूरत है। क्या स्पॉन्सर करेंगे? मेरा अकाउंट नंबर चाहिए। अगर मुझे पसंद आए तो स्पॉन्सरशिप लूंगा। सोच के बताऊंगा मैं। इंतजार कीजिए, मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे, ठीक है? बेखारी कहीं का। आखिर क्या हो गया? हमारे लोग बुरी तरह से हार गए। ये तो होना ही था। दरअसल बात ही चलो, कहाँ जा रहे हो? दारुणी भी नहीं, नहीं चाहिए। चलो चलो, अरे चलो ना।
इट्स ओके। ये खत तुम्हारे माँ बाप ने लिखे हैं। सुनो, क्या हो गया? इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अगर मैं ऐसा नहीं लिखता तो पता है ना ही तुम्हारे मास्टर्स यहाँ आते और ना ही तुम ये गेम जीतते। मैंने अच्छा ही किया, जो जी में आए तुम करो। अब तो तुम मशहूर हो गए हो, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मैं कौन हूँ? मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। अरे तब तो मैं भी आ रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। अरे तुम तो मेरे शेर हो, हम दोनों मिलकर दुनिया को हिला के रख देंगे। हाँ, आप दोनों बिजी फैंक कौन है? क्या कहा? इसके पापा ही दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। इसे मैंने ही तुम्हें बनाया था बेटे, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरे बेटे हो। आज तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? मुझे डर था कि मरने से पहले मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा, आज मिल गया बेटे। आपने ऐसा क्यों किया? यह बहुत बड़ी कहानी है। जायदाद के लिए मेरी बुआ हम दोनों को मारना चाहती थी, तब तुम 2 महीने की थी। मैंने तुम्हें कूड़े में डाल दिया था और तुम्हारी माँ को लेके मैं इस शहर से बहुत दूर चला गया था बेटे। विदेश में जाके मैंने काफी मेहनत की और बहुत सारा पैसा कमा लिया बेटे। तब से मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूं बेटे। ए जे, यहां आओ, अपने पापा से गले नहीं मिलोगे? बेटे मैं अपाहिज हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। आओ ना, आओ। मेरी गलती का कोई प्रायश्चित नहीं है बेटे। अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं रहूंगा। सारी जायदाद मैंने तुम्हारे नाम कर दी बेटे, और इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तुम ही हो बेटे। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई गम नहीं होगा बेटे। आज तुम्हें देखकर मेरी फक्र हो रहा है बेटे। वादा करो कि तुम मुझसे कभी ही दूर नहीं जाओगे बेटे। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं कुछ लेकर आती हूं। कुछ बोलिए ना। क्या बोलूं, मैंने तो तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम तो वही पुराने जे हो। मैं आपके साथ ही रहूंगा। सच कह रहे हो? जी। क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। 20 साल तक मां बाप ने मेरी सुध नहीं ली। इस अनाथ का तो आप ही सब कुछ थे। मैं जानता हूं कि आप मेरे जरिए बहुत सारा पैसा कमाएंगे, प्लान बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बुरे आदमी हैं। मुझे खाक से उठाकर फलक पे बिठाने वाले आप ही हैं, इसलिए मैंने घर छोड़ा। मुझे मेरा बाप मिल गया। आगे से मुझे कोई अनाथ या लावारिस कहने की हिम्मत नहीं करेगा, बस यही काफी है। मैं उल्लू हूं, मैं गधा हूं, खुदगर्ज नहीं हूं।
आज तुम जो कुछ भी हो तुम्हारी लगन से हो। अगर लगन से खेलोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, वही मेरा सपना है। और उस सपने को पूरा करोगे। अब मुझे लेकर कोई प्लान क्यों नहीं बना रही? क्यों, कोई प्लान नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर जो काबिलियत छुपी है उससे तुम वाकिफ नहीं हो। तुम चाहो तो फुटबॉल भी खेल सकते हो, सिर्फ ये ही नहीं, जैवलिन, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इन सब में 10-10 गोल्ड मेडल्स जीत सकते हो। क्यों, अच्छा है ना, तुम्हें पसंद आया? अरे कुंफू को तो आप भूल ही गए, उसे भी जोड़ लीजिए, एक और गोल्ड मेडल ले लूंगा। अरे मैं इसे तो भूल ही गया था। चीयर्स। चीयर्स मेरे आखिरी प्लान के लिए। प्लान बना बनाकर आप अपनी जिंदगी काट देंगे। एक और प्लान, और जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुम अपना कुंफू डंग स्कूल खोल सकते हो और मैं तुम्हारा सबसे पहला स्टूडेंट बनूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, इन्हीं की बदौलत मैं अपने माँ बाप से मिल सका। अगर ऐसे में मैं इन्हें बीच बाजार में छोड़कर चला जाता तो मुझसे बड़ा खुदगर्ज कोई नहीं होगा, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे हाँ, और एक बात मैं तो बताना ही भूल गया, ये जो लुई है ना, इसी से मैं शादी करने वाला हूँ। ओह सॉरी, जोर से बोल दिया मैंने, ये बेचारी मुझ पर मरती है, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।